आरटी सेंटर हैदराबाद डायरेक्ट ओपन रेडी भर्ती 2020 प्रोग्राम। ये यूनिट हेडक्वार्टर रिलेशन भर्ती जो कि आरटी सेंटर हैदराबाद के अंदर है, इसका प्रोग्राम भर्ती का आ चुका है। जो भी कैंडिडेट काफ़ी समय से आरटी सेंटर के अंदर यानी हैदराबाद के अंदर भर्ती देने के इच्छुक थे और काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, वो उनका इंतजार अभी समाप्त हो चुका है। ये भर्तियाँ कब होगी, क्या एज लिमिट रखी गई है इसमें और किन किन वैकेंसियों पर ये भर्ती है, तो इसका पूरा विवरण बताऊंगा। इससे पूर्व यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि जो भी कैंडिडेट आरटी में जाना भर्ती देखना चाहते हैं या जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, वो इसके अंतर्गत भर्ती देख सकते हैं। इसका चार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है जो कि अक्टूबर 2020 में निकला है। इसका लेटर नंबर भी दिया हुआ है 311001 अब्लिक यूएचक्यू रैली अब्लिक रिक्रूटिंग। ये ऑल आरटी डिविजन्स, आरटी ब्रिगेड, कोर आरटी ब्रिगेड्स, कमांड हेडक्वार्टर आरटी, आरटी यूनिट्स, लोकल इंफॉर्मेशन सर्विस यूनिट, रेजिमेंटल सेंटर, ऑल रिक्रूटिंग जॉन्स एंड स्कूल ऑफ आरटी, यानी सभी के लिए एड्रेस ही किया हुआ है। यानी ये लेटर सभी के पास जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो रिलेशन के अंतर्गत आते हैं, भर्ती देखने के इच्छुक हैं, तो आप इसमें ज़रूर भाग लें। ये भर्तियाँ दिसंबर 2020 में है जो कि 10 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक आरटी सेंटर हैदराबाद में शुरू होने जा रही है। इसके अंतर्गत ट्रेड से हैं सोल्जर जीडी, सोल्जर एसएच जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर एसकेटी और क्लर्क, इनकी ये भर्ती है। इसमें आप सही लोग जो इसमें रिलेशन सर्टिफिकेट के अंदर रिलेशन सर्टिफिकेट के पास है, वो आप इसमें भाग ले सकते हैं। यदि आपके पास में स्पोर्ट्स मीन्स स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप स्पॉन्सर्ड करते हो किसी को, यानी आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। इसके जो अंदर स्पोर्ट्स के अंदर ये जो कैटेगरियाँ हैं, क्रॉस कंट्री, एथलेटिक्स, शूटिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रोइंग, सेलिंग इन कायकिंग ऑफ कैंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी की इसमें भर्ती है। यानी ये वन कैटेगरी के लिए है जो 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को होने जा रही है। बाकी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल एंड बीएससी कैंडिडेट फॉर सोल्जर जीडी कैटेगरीज, ये ऑल स्टेट 10 दिसंबर को है। सोल्जर क्लर्क और एसकेटी का 11-12 दिसंबर को है। सोल्जर जीडी एसएच जीडी 16 से लेकर 14 दिसंबर और ट्रेड्समैन 8वीं पास और 10वीं पास के लिए 17 से 18 दिसंबर रखा गया है। अभी इसमें एज की बात करते हैं, तो एज आपको इसमें रिलैक्सेशंस का ऐसा कोई लेटर नहीं दिया हुआ है कि आपको इसमें उम्र में छूट दी जाए, मगर फिर भी आपका एज 17 से 21 साल जीडी के लिए और ट्रेड्समैन और क्लर्क के लिए 17.5 से लेकर के 23 साल तक रखी गई है। आप इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। जिन कैंडिडेटों के पास में एज 21 और 23 से ज़्यादा है, वो इसमें कृपया ना जाएं, क्योंकि अभी सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कोई भी आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। या ओपन रैली की भर्तियां थी, उनमें यदि जो फॉर्म पहले भर चुके थे उनके लिए वही डेट मान्य है, यानी वो उसमें ऑवरेज नहीं माने जाएंगे, मगर रेशन भर्ती में ऐसा कोई लेटर नहीं आया अभी तक। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और आप सक्सेस हों। इसी के साथ में थैंक यू, बाय बाय।